सॉरी मजे करेंगे यार. वी हैड बीन वांटिंग टू कोलैबोरेट सिंस क्वाइट अ फ्यू इयर्स. सनी हैड कॉल्ड मी फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स बट एवरी टाइम आई हैव बीन शूटिंग एंड टाइम ही नहीं मिल पाता है बाहर जाने का. बट दिस टाइम लकीली आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग राइट नाउ सो आई कैन मेक इट. यार ऑनेस्टली मैं अच्छा खाना बना लेता हूँ. मतलब स्पेशली लॉकडाउन में मैंने काफ़ी बनाया है खाना. एंड आई एम नॉट बाय खाना आई डोंट मीन मैगी एंड ऑमलेट. आई कैन कुक सो इट्स गुड एंड आई कुक हेल्दी फूड क्योंकि जब आप थोड़ा डाइट कॉन्शियस होते हो तो यू कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग विद फूड. सो आई बीन डूइंग दैट एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सिखाऊंगा थोड़ा थोड़ा किसी किसी. Workout. I work out and I maintain my diet. I mean it's pretty tough. I am a foodie, but मैं कोशिश करता हूँ, थोड़ा sacrifice करता हूँ, क्योंकि कभी शो कर रहे हो उसमें कोई शॉर्टलेस ही नहीं आ जाए, कुछ आ जाए तो करना पड़ता है. एंड आई लाइक स्टेइंग फिट, आई लाइक हैविंग अ गुड बॉडी. सो एंड आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन दैट बैलेंस. इट्स नॉट लाइक दैट आई डोंट चीट, आई चीट ऑल्सो, बट डाइट करता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, उसी में सही रहता सब. थैंक यू बोला थैंक यू. फर्स्ट क्लास बहुत अच्छा था. पहली बार मैंने कुकिंग किया लाइफ में, नहीं तो आई डोंट कुक, बट ड्यूरिंग द लॉकडाउन आई कुक्ड अ लिटिल बिट और बहुत जलाया भी है मैंने खाना. और मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि आई शुडंट कुक, सो इनडीड दिस ट्रिप विल हेल्प मी. फॉर अ लॉट ऑफ पीपल लॉकडाउन वॉज नॉट दैट ग्रेट. बहुत सारे चीज़ें लोगों ने एक्सपीरियंस किए लॉकडाउन के दौरान, बट वी वर फ्यू ऑफ द लकी पीपल दैट यू नो हम लोग अपने घर पर थे. आई वाज माय फैमिली. वर यू विद योर फैमिली? नो, आई वाजंट इनिशियली, देन आई वेंट टू पटना. सो आई वाज लकी इनफ दैट यू नो आई हैड माय एंटायर फैमिली विद मी और बड़े मजे किए हम लोगों ने, बोर्ड गेम्स खेली. सुबह जल्दी उठ जाते थे, वॉक पर जाते थे, लाइक आई हैव अ टेरेस अटैच्ड टू माय रूम, सो वी वुड यू नो वॉक ऑन द टेरेस एंड चिल. मुंबई ओनली. ओके. सो और मैंने खूब सारा खाना बनाया. फॉर मी आई वेंट टू टर्की विद द सेम प्लान एंड आई वॉज ऑन अ हॉलीडे, बट इट वॉज सो हेक्टिक दैट आई नीड अनदर हॉलीडे एंड दिस प्लेस लुक्स लाइक इट्स गोना बी मोर चिल, इट्स गोना बी मोर रिलैक्सिंग, ट्रस्ट मी. देयर इज गोना बी स्पा, देयर इज गोना बी योगा, सो आई थिंक that is something I want to put in my life because I don't really do yoga so or like do any physical activities as such, so I think that's how I wanted to collaborate on this project. Yeah. So Sunny Baji and Neeraj are very close to me, they are like family to me now. So unke saath main Atmanthan pehle ja chuki hu for another food show and we had a blast there. We were there last year. Yeah. Oh, she was there last year. Yeah. So we had a blast there and it's always fun collaborating with Sunny Baji and Neeraj because they make the workplace इतना फन ना कि हमें बहुत मजा आता है उनके साथ काम करने में, उनके साथ ट्रैवल करने में. सो आई एम जस्ट सो ग्लैड दैट वी फाउंड समबडी टू ट्रैवल विद बिकॉज इट कैन गेट वेरी हेक्टिक बट द टीम इज सो गुड. बनने वाले हैं, मैं हूँ. आई विल बिकम अ बेटर शेफ, आई होप सो. अब तो मनेरी माता के शरण में आ चुकी हूँ, तुम्हारा खाना नहीं जलेगा. पर्सनली हम लोग बिल्कुल भी हेल्दी फूड नहीं खाते हैं, पर हम बहुत गुड कॉम्बिनेशन है, हम दोनों बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है बिकॉज हम दोनों बहुत ही अनहेल्दी खाते हैं. आई डोंट नो हर, आई मेट हर फॉर फर्स्ट टाइम एंड आई नो इट फॉर द फैक्ट कि ये भी मेरे तरह है. हम वहाँ जाकर शायद हमारे अंदर कोई हृदय परिवर्तन हो जाए और हम हेल्दी खाना शुरू करते हैं. तो ये शो भी ऐसा है ना कि इट इज वो, ये शो में हम ये दिखाने वाले हैं कि हेल्दी फूड को टेस्टी कैसे बनाया जा सकता है.
उसका हैक है, जैसे ब्यूटी हैक्स होते हैं वैसे हेल्दी हैक्स होने वाले हैं. सो या जी, थैंक यू मॉम एंड डैड. Mom and Dad, I swear, like all my friends, even when I was doing Ragini, I don't know if you know Deepak Kalra, all these people, like, क्या मतलब पूरा दिन बैठ के तो तंदूरी चिकन ये वो खाती रहती है, पेलती रहती है खाना, बट यू डोंट पुट ऑन वेट. सो आई डोंट नो इट जीन्स, बट आई ऑल्सो फील दैट विद टाइम एंड एज यू विल पुट ऑन वेट. दैट्स वाई इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू स्टार्ट व्हेन यू रियलाइज लाइक अ जिम और सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन योर लाइफ स्टाइल. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू. Thank you. Good to see you all too. Long time. See, I am working with Sunny Bhai for the longest time. I think since his first project, जब टेली कैलेंडर हुआ करता था और उसमें लड़कों की ज़रूरत नहीं भी होती थी तब भी मुझे ले जाया जाता था. So I have been with him, we've been together for a long, long time. So अभी हम लोग टर्की जाके आए थे and I got to know about this entire project and of course जो lockdown में खाया गया है. मेरी family पंजाबी है तो ये लोग आलू के परौंठों की बात कर रहे थे तो वो तो हमारा मतलब ऐसे स्नैक्स होता है, उसके बाद फिर पूड़ियाँ बनती हैं, उसके बाद कचौड़ियाँ बनती हैं, तो वैसा वाला. सो ये डेढ़ साल मैंने सिर्फ खाया है एंड आई वैन आई गॉट टू नो अबाउट दिस देन आई टोल्ड माय सेल्फ आई वांट टू डू दिस, आई वांट अ गुड डाइट, आई वांट टू गेट इन टू दैट गुड रूटीन जहाँ पे थोड़ा पतला हो जाऊँ इन सनी भाई जैसी बॉडी हो जाए. सो दैट्स हाउ आई सेड आई वाज रियली एक्साइटेड. सो अर्जुन जैसी बॉडी हो जाए. सो यस, सो दैट्स हाउ आई गॉट रियली इंटरेस्टेड इन दिस वन. सी वन थिंग आई कांट डू इज कुकिंग. सो लॉकडाउन में भी गिनती की शायद दो चीज़ें बनानी सीखी थी मैंने जो मैं भूल गया हूँ वापस से. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि कुछ ऐसा बनाना सीखूँ जो कि हेल्दी भी हो और ईजी भी हो और मैं भूलूँ नहीं. सो आई एम रियली रियली एक्साइटेड, आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस वन. यस जी, एक तो मैं बहुत ऐसा करिए आप आई यही आ जाओ. दिस वन मोर नाउ 25th. एनीवेज, सो यस, मैं बहुत खुश हूँ कि 90s में जब ये वीडियोज चला करते थे तो आई रियली वॉन्टेड टू दिस म्यूजिक वीडियोज, बट अब वापस ट्रेंड आया एंड आई एम एंजॉइंग इट एंड दैट्स व्हाई फॉर्चुनेटली आई एम गेटिंग गुड सॉन्ग्स ऑल्सो. यस, आई हैव ऑलरेडी शॉट फॉर 9 आउट ऑफ विच 5 4 आर आउट एंड आई एम वेटिंग फॉर फ्यू मोर एंड आई एम शूटिंग 2 मोर. सो आई एम रियली रियली एंजॉइंग दिस यार. एंड इन टर्म्स ऑफ फैंस तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि 5 मैंने टीवी नहीं किया, मैं कंट्री में नहीं था, लेकिन फिर भी देर बिन देर एंड मैंने हमेशा सुना था कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, मुझे था शो छोड़ते ही शायद लोग भूल जाएंगे, बट बहुत प्यार दिया है एंड आफ्टर दिस वीडियोज दे आर मतलब आई एम रिसीविंग मोर लव. सो आई एम रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल फॉर दैट. यार एक्चुअली सच्चाई बताऊँ तो मैं और श्रुति पहले कभी इतना मिले ही नहीं थे टर्की पे एंड हम लोग की बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग हो गई है विच इज़ लाइक लिटरली बियॉन्ड आई एवर एक्सपेक्टेड. तो मैंने और श्रुति ने एक्चुअली मैंने और आदिति ने मैंने और आदिति ने 2 म्यूजिक वीडियो साथ में साइन किए थे पर अनफॉर्चुनेटली डिडंट वर्क आउट. तो हम लोगों ने सोचा अब कोई हमें म्यूजिक वीडियो में साथ ले ना ले, हम अपना खुद का बना लेंगे और फिर हम लोगों ने खुद बना लिया एंड पीपल लविंग इट. सो आई होप वी आर गोइंग टू डू अ म्यूजिक वीडियो टुगेदर सून. सी मेरे फैंस आई थिंक उनको पता है कि मैं कितना बुरा गाना बनाता हूँ. सो आई थिंक फॉर देम ऑल्सो इट विल बी रियली एक्साइटिंग टू सी दैट हाउ आई परफॉर्म इन द किचन, वॉट आई डू, हाउ आई लर्न. बट मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ टू ऑल माई फैंस फॉर बींग देयर एंड फॉर लविंग मी एंड आई वॉन्ट देम टू लव मी ऑलवेज लाइक दिस. सो थैंक यू वेरी मच. सीधा क्या सीधा हूँ मैं, मैंने क्या बोला भाई, मैं जलेबी की तरह सीधा हूँ मैं. हाँ जी,
मैं टू बी ऑनेस्ट मैं शेफ बहुत ही अच्छा हूँ. मैं कुछ चीज़ें बना पाता हूँ बट जो भी चीज़ें बनाता हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत अच्छी बनाता हूँ. बट टू बी ऑनेस्ट इस शो में आना इज़ अ लिटिल डिफरेंट क्योंकि हेल्दी चीज़ें नहीं बनाई मैंने आज तक. तो हेल्दी और टेस्टी का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही डिफरेंट मतलब बहुत आसानी से नहीं मिलता है. तो इसलिए ये नई चीज़ सीखने को मिलेगी तो जो मेरे पॉइंट्स हैं और ज़्यादा ऐड हो जाएंगे उसमें. तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ गुड एक्सपीरियंस क्योंकि कुछ नया सीखने को मिलेगा और कुकिंग आई एंजॉय. सो या आई एम प्रीटी मच हैप्पी. सनी को मैं सनी भैया को मैं बहुत टाइम से जानता हूँ तो उन्होंने मेरे को पूछा ये सब करने के लिए एंड यू नो आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने पूछा और मुझे चांस मिला करने का क्योंकि कुकिंग व्हाट आई टोल्ड कि मुझे बहुत पसंद है और हेल्दी चीज़ें अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं शुरू करूँ खाना. सो या इसलिए उन्होंने चांस दिया तो आई एम वेरी मच हैप्पी. स्पेशल तो ये है कि मैं आ गया हूँ तो थोड़ा फन एलिमेंट भी होगा, काफ़ी कुछ होगा, काफ़ी मस्ती होगी और सीज़न टू है तो ऑब्वियसली हम लोग सोच रहे हैं कि मैं पार्ट वन का हिस्सा नहीं था बट सेकंड सीज़न में आई एम ट्राइंग कि जो चीज़ें मैंने फर्स्ट सीज़न में मिस किए वो चीज़ें भी मैं करूं और सेकंड सीज़न को और ज़्यादा हैपनिंग बनाएं. काफ़ी एक्सपेक्टेशन है आपसे क्या करना है करवाने वाले सब लोग. हेल्दी बाइट्स टू में अलग ये होने वाला है कि लास्ट टाइम हमने हेल्दी रेसिपीज़ बनाई थी, ठीक है. अब लॉकडाउन में क्या हो गया, लॉकडाउन पे ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे बहुत लोगों ने सिखाया कि हेल्दी रेसिपीज़ कैसे बन रही है. तो हमने सोचा कि ऐसा क्या अलग करें. तब गौरव सजेस्टेड कि क्यों ना इस बार हम इम्यूनिटी बूस्टिंग रेसिपीज़ बनाएं विच इज़ द नीड ऑफ द आवर क्योंकि कोविड के बाद एवरी इंडियन नाउ वॉन्ट्स टू वर्क ऑन हिज और हर इम्यूनिटी. तो अब इम्यूनिटी बूस्टिंग रेसिपी इटालियन या चाइनीज़ ऐसी नहीं होती हैं, इंडियन हर्ब्स वर्ल्ड की बेस्ट हर्ब्स हैं व्हेन यू टॉक अबाउट इम्यूनिटी. फॉर एग्जांपल टर्मरिक, टर्मरिक इंडिया के बाहर सोने के भाव बिकता है. ऑस्ट्रेलिया में टर्मरिक के स्टार्टअप्स हैं बट हाउ कैन यू यूज़ टर्मरिक टू क्रिएट हेल्दी रेसिपीज इज़ व्हाट दिस शो इज़ ऑल अबाउट. हमारे चार एपिसोड्स होंगे, हर एपिसोड में 3-course meal बनेगी, स्टार्टर, फर्स्ट कोर्स एंड मेन कोर्स, या फिर स्टार्टर, मेन कोर्स एंड डेजर्ट. और हर कोर्स में वी विल इंश्योर दैट वी आर इंटीग्रेटिंग सम इंडियन इन्ग्रीडियंट्स टू बूस्ट योर रेसिपी. और आत्मंथन की जो शेफ़ हैं वो टीम है और हमारे साथ बहुत क्लोजली काम कर रही हैं वो रेसिपीज़ बनाने में. तो बस वही है. और एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है जो सनी ने बताया, जो आत्मंथन के वेलनेस डॉक्टर हैं दे विल आल्सो टेल समथिंग इंटरेस्टिंग फूड. हाँ, एक सेक्शन हमने डाला. बेस्ट पार्ट इस बार ये है कि जो भी हम इम्यूनिटी रेसिपीज़ बना रहे हैं तो इट्स लाइक मैं भी 20 साल से फिटनेस में हूँ तो मेरे को भी पता है कि जिंजर से इम्यूनिटी बढ़ती है, आंवला से बढ़ती है, टर्मरिक से बढ़ती है. बट आई कैन नॉट वैलिडेट इट बिकॉज मेरे पास कोई डिग्री नहीं है इस चीज़ को करने के लिए. बट इस बार जो रेसिपीज़ बन रही हैं वो आत्मंथन के वेलनेस डायरेक्टर डॉक्टर मनोज क्यूरेट कर रहे हैं जो उनके पास 20 साल का एक्सपीरियंस है नेचुरोपैथी का एंड ही इज़ अ सर्टिफाइड डॉक्टर. तो इट्स ऑल दी रेसिपीज़ आर गोइंग टू बी सर्टिफाइड बाई हिम. आप दोनों क्या धमाल करने वाले, आप लोग तो पहले से ही फिट है तो यहाँ पर आप क्या करने वाले हैं, इनसे सीखने वाले हैं. मैंने एक्चुअली टर्की ट्रिप पे इनसे इतने क्वेश्चंस पूछ लिए, अभी भी मैं उनको यही बोल रही थी कि रोज़ सुबह वर्कआउट करूँगी मैं आपके साथ. मैं अभी खाने का तो यहाँ शो पे हैंडल हो ही जाएगा. आई थिंक आई एम सॉर्टेड, अब मेरे एब्स आएंगे शो के बाद. हाँ बोल दिया. ओके मैम, आप क्या करने वाली हैं थोड़ा आप कुछ बताइए. डेफिनेटली हाँ, मैं भी अभी आफ्टर टर्की क्योंकि बहुत ज़्यादा खा पी लिया अभी मेरा हो गया. नाउ आई एम बैक ऑन डाइट एंड आई एम आल्सो वर्किंग आउट, सो वहाँ भी वर्कआउट करने वाले हैं एंड आल्सो हेल्दी खाने वाले हैं. आई एम श्योर इट्स गोना बी फन. टेलीविजन के कपल्स है अरिजीत एंड अदिति मैम. ऑन स्क्रीन कपल्स, ऑन स्क्रीन ऑन कपल नहीं है, ऑन स्क्रीन तो मतलब टेलीविजन के कपल है, ऑन स्क्रीन ऑन स्क्रीन. तो मेरी हाँ, आई थिंक एक एपिसोड तो इन्हीं का ही होगा मुझे अब लग रहा है अभी इस इवेंट में. हाँ, ऐसा करते हैं फॉर श्योर. इसमें इसको सीढ़ियों से गिराएंगे, उसको कैच करने बोलेंगे, देखा हमने. हाँ, और एक एपिसोड में हम ऐसा करेंगे कि रसोड़े में नमक वो था ना, कौन वो रुचा विशाल का, विशाल का. हाँ, रसोड़े में कौन था तो वो विशाल जिगर भाई. ओके, आखिर में आप अपने फैंस से क्या. थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट. ऐसे ही इस शो को भी सपोर्ट करना. सीजन 1 काफ़ी हिट था, सीजन 2 और भी धमाल होने वाला है. सो प्लीज़ वॉच इट एंड लव इट एंड थैंक यू.